So, welcome back to another video. तो आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है स्कार लवर के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं हमारे नए इवो स्कार के इंट्रो के साथ। क्या आपके पास टाइटन स्कार नहीं है? क्या आप टाइटन स्कार ना होने के गम में दिन भर डूबे रहते हो? क्या आपके पास क्यूपिड स्कार भी नहीं है और आप क्यूपिड स्कार निकालने की सोच रहे हो? तो थम जा। तो गाइज, न्यू इवो स्कार आने वाली है, खुश हो ना? तो सबसे पहले लुक की बात करें तो एक नंबर भाई। देखो, सबकी अलग अलग पसंद होती है, पर ओवरऑल इतनी बुरी भी नहीं है कि किसी को पसंद ना आए। अब इसके एट्रीब्यूट की बात करें तो डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल डैमेज एंड माइनस मूवमेंट स्पीड। सो एट्रीब्यूट काफी सही है, लेकिन माइनस मूवमेंट स्पीड की जगह माइनस रिलोड स्पीड होती तो और बेहतरीन होता, पर कोई नहीं, चलता है। अब बात करते हैं ये स्किन कब आएगी। दिल भरी कुछ नहीं किया। तो देखो, एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, पर फ्री फायर ऑफिशियल वालों ने पोस्ट डाला था कि जनवरी में ये स्किन आएगी, तो जैन फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के अंदर आ जाएगी। अब बात करें हमें ये स्किन कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी। तो देखो, अदर सर्वर में फेडल व्हील में आया है और हमारा ड्रैको एक भी फेडल व्हील में देखने को मिला था, तो शायद फेडल व्हील में देखने को मिलेगा हमें। तो गाइज, इट्स टाइम टू कंपेयर मेगालोडॉन स्कार वर्सेस ड्रैको एके। या तो सबसे पहले लुक की बात करते हैं। तो यहाँ पे लुक में तो भाई ड्रैको एके को कोई भी नहीं हरा सकता। अब तक जितनी भी स्किन आई है, ड्रैको एके बेस्ट है लुक में। स्कार भी इतनी बुरी नहीं है, पर ड्रैको एके भाई बेस्ट है, मेरी फेवरेट ड्रैको एके है। अब एट्रीब्यूट की बात करें तो दोनों का सेम है, सिंगल डैमेज, डबल रेट ऑफ फायर, माइनस मूवमेंट स्पीड। तो हेयर इज नथिंग टू कंपेयर इन एट्रीब्यूट। तो अब बात करते हैं प्राइस की। दोनों स्किन फेडल व्हील में आई थी, मतलब ड्रैको एके फेडल व्हील में आई थी और इवो स्कार भी फेडल व्हील में आने वाली है। तो भाई जो हमारा न्यू एके था, उसका जो किल इफेक्ट था कुछ इस तरह का था गाइज, और देखने में भी अच्छा लगता था। बट गाइज, अब आ गया है इवो मेगालोडॉन स्कार, और इसकी बात करें तो गाइज, इसकी जो किल इफेक्ट है, एनिमेशन है, काफी ओपी है गाइज। लगता है कि शार्क टाइप के उसका बैकग्राउंड चलता है, एंड कलर भी ओपी है गाइज। अब बात करते हैं एक एक हीट इफेक्ट और फायर इफेक्ट। तो गाइस, जब भी हम एनिमी को शूट करते थे या फायर करते थे, तो वहाँ पे ब्लू ब्लू कलर का उसका ब्लड भी आता था और फायरिंग इफेक्ट्स भी आते थे ब्लू कलर की। बात करते हैं गाइस न्यू स्कार की। तो यहाँ पे हम फायरिंग करेंगे तो हमारे जो स्कार से जो ब्लड निकलेगी वो रेड रेड कलर की निकलेगा, और जो हम हीट करेंगे उसके ब्लड भी रेड रेड टाइप का ही निकलेगा। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस कलर के चेंजेस है। और अब बात कर लेते हैं गाइस किल इफेक्ट्स का। तो गाइस, जो हमारी न्यू वेक है, इससे आप किसी बंदे को किल करते हो तो कुछ रियलिस्टिक टाइप का उसकी आत्मा उसके अंदर से निकलती है ब्लू ब्लू कलर की। और हमारा जो न्यू स्कार आ रहा है, उससे आप किसी बंदे को किल करोगे तो वहाँ पे शार्क टाइप का रेड कलर में उसका एनिमेशन आएगा। तो यहाँ पे जो बेस्टर एनिमेशन लगता है मुझे, एक एक अच्छा एनिमेशन लगता है। आप बताना कौन सी एनिमेशन आपको बेस्ट लगता है। तो गाइज, अब बात करते हैं इमोट्स की। तो दोनों की इमोट्स काफी ओपी है गाइज, मेरे को तो एके वाली बेटर लगती है और ये भी इमोट काफी अच्छी है। और हाँ गाइज, जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, और मेरे सेकंड चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें कोई वीडियो अपलोड किया तो नहीं है, पर सब्सक्राइब कर देना, उसमें इंटरटेनिंग वीडियो कंटेंट आएगा। रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, आई हैव फाइव फिंगर्स, द मिडिल वन इज फॉर यू।